महाराष्ट्र के अकोला में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एसपी श्रीधर ने इस अभियान की कमान पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल को सौंपी है। पुलिस चेकिंग के दौरान खमगांव से अकोला में प्रतिबंधित गुटखा लाया जा रहा था, जिसके चलते शेगांव टी पॉइंट पर नाकाबंदी लगाई गई। गुटखा लेकर आ रहे शातिर बदमाशों का पीछा कर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 10 लाख का गुटखा जब्त किया गया है। नंबर एमए 04 ईएस 520 के पुलिस को हाथ दिखाया, पुलिस ने फिर भी भाग गई, उसका पीछा पाटलाग किया और उसको डाबके रोड शिवाजी नगर में पास पकड़े। तो एमए 04 ईएस 520 से झाइलो गाड़ी में 15 पोते गुटखा, जिसमें वहा ताज विमल मानिकचंद ये गुटखा जिसकी कीमत 10 लाख रुपए हुई और दो आरोपी वो मिलकर आए, जो आरोपी का नाम है शेख वहीद शेख महमूद और शेख इरफान शेख अब्दुल रहमान रहना सोनटक के प्लॉट अकोला। इनके पास से 10 लाख का गुटखा पुलिस ने बरामद किया। आगे का तपास डाबके रोड पुलिस कर रही है।